जिला फिरोजपुर के कस्बा तलवंडी भाई में चोरी की वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही और शहर में आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागने का नाम नहीं ले रहा। उधर चोरियों को लेकर शहर के दुकानदारों में सहम का माहौल बना हुआ है। शहर में लगातार चोरियां हो रही हैं। इसी बीती रात भी तलवंडी भाई की बाबा विश्वकर्मा मार्केट में चोरों की तरफ से एक करियाने की दुकान को अपना निशाना बनाया गया। जानकारी देते हुए दुकान मालिक ने बताया कि बीती रात वह दुकान बंद कर घर गया था और सुबह उसको किसी ने बताया कि उसकी दुकान का शटर खुला है और जब उसने आकर देखा तो दुकान का शटर टूटा हुआ था। दुकान में पड़ा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था जिसमें से काफी सामान चोरी हो गया था, जिसकी जानकारी उसने तुरंत स्थानीय पुलिस को भी दी। मगर पुलिस अपनी आदत से मजबूर टाइम पर पहुंचने के बजाय देरी से पहुंची और अपनी कमजोरी छुपाने के लिए उल्टा दुकानदार से सवाल किए जाने लगी कि उनकी दुकान का बीमा हुआ है, दुकान में कैमरे लगे हुए हैं या नहीं। तो दुकानदार ने जवाब दिया कि वह टॉफियां बेचने का काम करता है, सोने का नहीं, जिसके लिए वह बीमा करवाएगा। उन्होंने बताया कि अभी वह कल 50,000 का सामान दुकान के लिए लाया था जो सारा का सारा चोर उड़ा ले गए। वही दुकानदारों ने बताया कि दुकानों में हो रही चोरियों को लेकर वह कई बार पुलिस कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। तकरीबन 50,000 रुपए का ठीक है। तो मैं रात 11:30 बजे मैं घर माल जोड़ के गया वहाँ, कोई गलबात नहीं सी। जो मैं सुबह मैंने 5 बजे राजू अखबार ने उठाया वा, ठीक, वो कहना जी दुकान का शटर टुटा पाया वा। जो असं आके वेखा साडा काफ़ी नुकसान होया पाया जी। किन्ना का नुकसान? घटो घट सा 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान हो पाया। मैं कुछ भी नहीं छड़े जी, और सारे खाने खाली है जी। ठीक, शटर सा टुटा पाया जी। प्रशासन को असं मांग की जी, थाने गए, थाने वाले कहते दुकान का बीमा होया, उन्होंने टोफियां गोलियों का बीमा करा लीए। ठीक है, दसो कि टोफियां का बीमा करा, टोफियां का बीमा करा लेने। ठीक, प्रशासन साड़ी कोई नहीं सुनवाई करता जी, ना भी अजे तक आया इतने, कोई गलबात नहीं जी। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ।